वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। शाहनवाज चौधरी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल है, क्या इस समय किसी भी पार्टी से पुराने और वफादार साथी का जुदा होना क्या कहता है? क्या नेतृत्व पर सवाल है या क्या नारद राय का ये अपॉर्चुनिज्म माना जाए? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कि अब लोकसभा में उनको कोई टिकट मिलने वाला है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया उनको अपने साथ जोड़े रखते, 40 साल से इनकी वफादारी साफ दिखी है, जनेश्वर मिश्र से लेकर के मुलायम सिंह यादव के साथ इनकी वफादारी बनी रही। कहा यह जाता है कि जब जनेश्वर मिश्रा की मौत हुई और ये बुरी तरह से बिलख कर रो रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव ने इनसे कहा था कि नारद तुम रो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कभी जनेश्वर मिश्रा की कमी खलेगी नहीं। लेकिन मुलायम सिंह यादव भी चले गए। उसके बाद अखिलेश यादव बलिया आते हैं और बलिया आने के बाद मंच पर नारद राय मौजूद होते हैं और नारद राय का एक बार नाम भी नहीं लेते। अब आप समझ लीजिए कि जो नारद राय लोकसभा का टिकट चाहते थे, टिकट तो उनका कटा ही, लेकिन मंच से उनका नाम नहीं लिया जाना एक तरीके से उनको अपमानित करने जैसा था। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अखिलेश यादव धीरे धीरे अपने तमाम पुराने साथियों को, पार्टी के वफादार सिपाहियों को किनारा करने में लग गए हैं? देखिए पंकज जी, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात जैसा आपने कहा, ये प्रसेप्शन की बात है। इस समय राजनीति में प्रसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी। वास्तविकता क्या है वो तो कोई सुनेगा नहीं। प्रसेप्शन बहुत नेगेटिव गया और ये एक बार नहीं हुआ, पिछली बार आपने देखा जब पांडे जी गए थे तब भी हमने यही चर्चा की थी कि रोकना चाहिए था, कम से कम प्रयास तो करना चाहिए था। जैसा अभी मैं सुन रहा था नारायण राय जी को भी, और उन्होंने कई जगह कहा भी है और एक्स पर भी उन्होंने डाला है, और वैसे भी पहले से भी पता था कि वो नाराज चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं आज नाराजगी है। तो अखिलेश जी को या उनकी जो कोर टीम है उसको ट्राई करना चाहिए था, कम से कम चुनाव तक तो इसको रोकना चाहिए था। और इससे ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं और उस समाज के भूमिहार समाज के, मुझे लगता है समाजवादी में शायद सबसे बड़े नेता वही थे, और इसके बाद कोई भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व समाजवादी में इतना बड़ा नेता नहीं है, तो वो एक डेंट तो लगेगा। और कई सीटों पर जो पूर्वांचल में मैं भी आंकड़े देख रहा था, कई सीटों पर 8% 10% वोट है उस समाज का। अब ये तो देखना पड़ेगा, समय लगेगा, जल्दबाजी होगी कहना कि कितना वोट इनके हिसाब से, इनके कहने पर बीजेपी में चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी की भी कुछ सीटों पर स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इससे फायदा होगा, और कल जैसे अमित शाह जी आने वाले हैं उनकी रैली में उनको लिया जाएगा साथ में, इससे बचा जा सकता था, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और प्रसेप्शन का तो नुकसान है ही। और बीजेपी प्रसेप्शन बनाने में अपनी फेवर में और दूसरों के खिलाफ बनाने में बहुत माहिर है। मैं बार बार कहता हूँ उनकी मैकेनिज्म, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी रणनीति, क्योंकि नाराजगी आज की नहीं है, ये नाराजगी बहुत पहले से थी, लेकिन टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। अभी 3 दिन बाद वोटिंग होने वाली है और जब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा है भारतीय जनता पार्टी ने, और नुकसान तो होगा, प्रसेप्शन का भी नुकसान होगा और वोटों का भी नुकसान होगा मुझे लगता है। आप दोनों का नुकसान बता रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सनातन पांडे, वो भी जोरदार उम्मीदवार हैं, पिछले चुनाव में वो कुछ हजार वोटों से हारे थे। कहा यह जा रहा था कि नीरज शेखर और सनातन पांडे की लड़ाई जबरदस्त है, ऐसे में इस वक्त नारद राय का पार्टी छोड़ना किस तरीके से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इसलिए इसको महत्वपूर्ण मान रहा हूं क्योंकि इनको पार्टी में लाने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर सरीखे नेता करते हैं, और फिर जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं अमित शाह इनसे मिलते हैं, तो इनकी महत्ता क्या है इस बात से समझी जा सकती है कि आप देख लीजिए कैसे ओम प्रकाश राजभर नारद राय को अमित शाह से मिलवा रहे हैं, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो बलिया क्षेत्र के कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां जिस तरीके से नारद राय का प्रभाव है, आपको लगता है कि बलिया में अच्छा खासा नुकसान समाजवादी पार्टी को नारद राय के पार्टी छोड़ देने से होने जा रहा है, क्योंकि नारद राय तो अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के राजनीति के लिए जानी जाती है, और खासकर अगर उनकी जो चुनावी मशीनरी है, जो अमित शाह है जिनको चाणक्य कहा जाता है, आप देखिए बस्ती में इसी तरीके से
जो बसपा का उम्मीदवार था हरीश द्विवेदी के खिलाफ दीनानाथ मिश्र, उनको बदलवा दिया गया बसपा से। उसके बाद इसी तरीके से जो है राजकिशोर सिंह जो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में गए थे, उनको अमित शाह अपने घर पे मिले, उनको ज्वाइन कराया। तो ये उनकी चुनावी रणनीति है। अब कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि नारद राय से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पास खुद ही हैं, अगर हम भूमिहार नेता की बात करें तो, और उस क्षेत्र में है। आप मनोज सिन्हा की बात करें, आप ए के शर्मा की बात करें जो बिजली मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में रहे हैं, तो नारद राय से बड़े नेता हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दिया क्योंकि शायद उनको भनक लग गई होगी कि ये जो है पाला बदलने वाले हैं, तो उनको फिर मनाने का कोई गुंजाइश नहीं बनता है और कोई एक लॉजिक भी नहीं बनता है, कोई तर्क भी नहीं बनता है। हाँ, निश्चित रूप से इनका इनका प्रभाव रहा है बलिया में। अगर देखें तो अगर मैं कह रहा हूं, अगर कोट अनकोट निश्चित रूप से अगर बहुत ही क्लोज फाइट है वहां पे जिस तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान हो, क्योंकि इनका अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार ये और इनके इनके जो है पिताजी जो है वहां पे उनका प्रभुत्व रहा है, वहां पे वर्चस्व रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी तो ये प्रभावित करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे राज्य के स्तर पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास इनसे बड़े भूमिहार नेता हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ मनोज सिन्हा जो एक बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, जो अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, या ए के शर्मा जी, वो भी बीच में जब बिजली मंत्री बनाए गए थे वो भी, उनको भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में कुछ वर्ग ने पेश किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भूमिहार नेता हैं, और मुझे लगता है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व नारद राय का जैसा समाजवादी पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको वो चीजें निश्चित रूप से नहीं हासिल होंगी। लेकिन जैसा मैं पहले भी बार बार आपके शो में कहता हूं कि जब सत्ता एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, या जैसे हम उदाहरण देते हैं मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव में ट्रांसफर होती है, लालू यादव से जो है वो जो है तेजस्वी यादव में होती है, या सोनिया गांधी से राहुल गांधी में होती है, तो निश्चित रूप से पोटरी ट्रांसफर नहीं होती। जो साथ में सलाहकार रोज के लोग हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। शायद मुझे लगता है कि यही वजह है, उसी का शिकार जो है नारद राय हुए हैं। अखिलेश यादव अपनी टीम बना रहे हैं, अपनी टीम में लोगों को ला रहे हैं, और वो अपनी अपने तरीके से पार्टी को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अगर आप उनके पिता के से उनकी तुलना करें, तो जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव, मैं बार बार आपके शो में कहता आया हूं कि एक उन्होंने जातिगत एक जो है जिसको कहें कि समीकरण जो साध रखा था समाजवादी पार्टी में, जिसे यादवों के और मुसलमानों के अलावा भी बाकी जो है जातियों के संप्रदायों के लोग उनसे जुड़े रहे, उसका कारण था कि उनके पास मोहन सिंह भी थे, उनके पास रेवती रमन सिंह भी थे, उनके पास जो कुर्मी का प्रतिनिधित्व करते थे मोहन सिंह, जो छत्री का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके पास जनेश्वर मिश्रा भी थे जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते थे, तो इस तरीके से उनके पास राजा भैया भी थे, तो इस तरीके से उन्होंने पूरा अपना जातिगत समीकरण साधने के लिए, इसीलिए पूरी तरीके से बार बार उनको कहा गया, उनपे इल्जाम लगाया गया कि नहीं मुलायम सिंह MY कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं और जो है उसको भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके पास तमाम जातियों को, उत्तर प्रदेश जो एक जाति प्रधान प्रदेश रहा है, तमाम कोशिशों के बावजूद जाति जो है वो राजनीति से अलग नहीं हो पाई है। लाभार्थी वर्ग बनने के बाद भी जो कहें, आज जो है थोड़ी जो चुनौती की बात हो रही भारतीय जनता पार्टी की, वो यही इसी कारण से हो रही है कि जो लाभार्थी वर्ग भी जो है कहीं कहीं छिटक रहा है, वो जातियों में बटने की उनकी आशंका जताई जा रही है तमाम विश्लेषकों द्वारा, और वो यही कारण है कि वो उनको लगता है कि नहीं, अब हम लाभार्थी वर्ग हैं तो सरकार का ये काम है, ये हमें ये सुविधाएं पहुंचाना, हमें चाहे राशन हो, चाहे घर हो, चाहे बिजली हो, चाहे सुरक्षा हो, ये सरकार का काम है। और इस उसके बाद जो है फिर से वो अपनी जिस तरीके से जो है आरक्षण पे बात हो रही है, संविधान पे बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से अगर आप तत्कालीन रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जीत है कि उन्होंने एक बहुत बड़े जो है राजनीतिक, अगर बलिया सीट की बात करें, तो
तो जो एक प्रभावशाली जो है राजनेता को अपने पक्ष में लाने में वो सफल हुए हैं, और ये एक तरीके से अखिलेश यादव के नहीं, ऊपर भी ये जो है इस प्रश्न उठाता है, जिस इसमें तरीके कोई से शक नहीं, लोग मैं उनसे छिटक रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, महेश सिंह जी मनोज सिन्हा बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं कि AK शर्मा का कद बड़ा हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से ही उनको भेजा गया। कहा यह जाता है कि वो काफी साल तक मोदी के सेक्रेटेरिएट में काम करते रहे, चाहे PMO हो चाहे CMO हो, तो ये सीधा माना जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी वो पसंद है। और जहाँ तक मनोज सिन्हा की बात है तो वो लगातार कई चुनाव भी जीतते रहे हैं और वहाँ से जमीन पर काम भी करते रहे, और मंत्री पद पर रहते हुए गाजीपुर में उन्होंने बड़ा काम किया। सवाल ये उठता है कि अभी तो वो डिप्टी गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, वो जम्मू कश्मीर में है, सक्रिय राजनीति में उन वो हिस्सा नहीं ले रहे। ठीक है, बीजेपी में बड़े भूमिहार नेता हों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप कुछ विधानसभा सीट को देखें जिसकी चर्चा इन्होंने की है, उस विधानसभा क्षेत्र से लोग इनके पास आए और इनको जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इग्नोर किया, और अभी तक कहा जा रहा था कि बलिया की लड़ाई बेहद दिलचस्प है क्योंकि आप मोहम्मदाबाद की बात करें, जखनिया की बात करें, ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर भूमिहार मतदाता काफी अच्छी संख्या में। ऐसे में सवाल उठता है कि नीरज शेखर बनाम सनातन पांडे, लड़ाई जबरदस्त थी लेकिन नारद राय का समाजवादी पार्टी के नाव से उतर जाना और बीजेपी के नाव में सवार हो जाना, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया है, अब औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने की बात है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस समय इनका समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा नुकसान कम से कम बलिया में तो कर ही लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे अनुपम जी? अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर गिरीश शर्मा मैं आ रहा हूं क्योंकि कल आप नारद राय की चर्चा कर रहे थे। मैं अनुपम जी आपका कमेंट्स चाहूंगा। नहीं भाई, देखिए ऐसा है कि जब से अखिलेश यादव के हाथ में सत्ता आई है, नारद राय इकलौते आदमी नहीं है। आपने देखा कि उन्होंने उन तमाम लोग जो कहीं ना कहीं उनके पिताजी के नजदीकी थे, उन सबसे समय पे दूरी बनाई है। हमारे अपने प्रयागराज में आप देख लें, बड़े भूमिहार नेता हैं ज्योतिरमन सिंह, किस तरह वो आपको बार बार कहते हैं कि 3 साल हो गए अखिलेश यादव ने मुझसे बात नहीं किया, मेरा फोन कॉल नहीं लेते। उसके बाद अखिलेश इलाहाबाद आते हैं और रेवती रमन से मिलने से फिर इनकार कर देते हैं, फिर झक मार के रेवती रमन सिंह अपने लड़के को लेकर कांग्रेस में चले जाते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, उसके बाद भी कांग्रेस में चले जाते हैं। आपने देखा आजम खान, आपको मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस समय एक बात हो रही थी कि सब मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तो वो एकदम शुरुआती तौर में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय आजम खान ने शिवपाल यादव का पक्ष लिया था। ये कांटा अखिलेश को कुछ इस तरह चुभ गया कि ना वो आजम को माफ कर पाए और ना ही शिवपाल को माफ कर पाए। आज भी अगर आप देख ले, मैनपुरी का चुनाव अगर ना होता हो, मैनपुरी के चुनाव के अलावा अखिलेश यादव के मुंह पे शिवपाल का नाम ही नहीं आता। वो जब मैनपुरी का चुनाव होता है उनको मालूम है वहां जसवंत नगर है, उन्हें मालूम है कि जसवंत नगर की जीत और जसवंत नगर की लीड डिंपल के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो जब मैनपुरी पे चुनाव होता है तो चाचा चाचा हो जाता है। मेरा दावा है कि मैनपुरी और मैनपुरी के चुनाव के बाहर आप अखिलेश यादव को कभी शिवपाल यादव से मुखातिब नहीं देखेंगे। आजम खान ले लें, ज्योति रमन सिंह देख लें, शिवपाल यादव देख लें, नारद राय देख लें, वो तमाम लोग जो कभी शिवपाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, या वो तमाम लोग जो अखिलेश अपने पिताजी से जब उनका संघर्ष हुआ मुलायम सिंह से, तो जो मुलायम सिंह के साथ खड़े दिखे थे वो सब अखिलेश के निशाने पे रहे। आप ये भी मान सकते हैं कि एक जनरेशन जा रही है, नई जनरेशन आ रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने वो तमाम पुराने जो खाटी समाजवादी जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे उन सबको धीरे धीरे करके किनारे लगा दिया। बाद के सालों में बेनी बाबू का भी यही हाल हुआ, जब बेनी बाबू लौट के समाजवादी पार्टी में, बेनी प्रसाद वर्मा,
नारद राय ने जो आने से पहले एक बड़ी दिलचस्प बात कही है पंकज भाई, और इस पे मैं सबकी राय सुनना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अंसारी परिवार का दरबारी बन के नहीं रह सकता। अब ये एक बड़ी बात है। हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि भूमिहार बाई एंड लार्ज भाजपा का वोटर है, नारद राय के भाजपा में जाने से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नारद राय खुद 2019 का चुनाव लड़े थे, हालांकि बहुत कम मार्जिन से हारे थे, मात्र 15,000 वोट से हारे। जाहिर सी बात है उनकी व्यक्तिगत लेवल पे अपनी पकड़ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपका चुनाव लड़ना और आपका फतवा जारी करना, दो मैं बहुत लोगों को इस पोजीशन में इस समय पाता नहीं कि आप फतवा जारी कर दे और पूरा समाज झूम के दूसरी तरफ चल दे। तो वहां पे पहले से भूमिहार बाई एंड लार्ज भाजपा के साथ जुड़े नजर आ रहे थे, और ये इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि घोसी में राजीव राय बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। घोसी में जो राजीव राय अब तक उनका जो चुनाव जिस तरह उठा है, माना जाता है कि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से वो अपना चुनाव कैंपेन चलाया है, लेकिन इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि एक परसेप्शन की लड़ाई में जहां पे राजीव राय का चुनाव फंसा हो, जहां पे गाजीपुर में अफजाल अंसारी का चुनाव फंसा हो, जहां ये पूरी भूमिहार बेल्ट बलिया के चुनाव में फंसा नहीं मानता, बलिया का चुनाव नीरज शेखर का मैं फंसा नहीं मानता, लेकिन घोसी में और गाजीपुर में डेफिनेटली कांटे की लड़ाई है। वहां पे नारद राय का ऐसे वोटिंग के दो दिन पहले इस तरह का फैसला लेना ना सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई में समाजवादी पार्टी को डेंट करता है, बल्कि वो तमाम भूमिहार वोट जिनको अपना माइंड मेकअप करने में, जिनको अपना मन बनाने में कोई दिक्कत आ रही होगी, मुझे लगता है इस घटना से उनका मन बन गया होगा। पंकज जी, वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।